आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और मनोज गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आपको भी अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 10 देखने को मिल गया है तो यहाँ पे काफी अच्छे एक फीचर के बारे में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और काफी अच्छा फीचर जो है हमको अपने डिवाइस में देखने को मिल गया है और जिन डिवाइस को एंड्रॉइड 10 ये देखने को मिला है उन डिवाइस में ये फीचर जो है वर्क करेगा। तो कौन सा वो फीचर है जो कि यहाँ पे नया आपको देखने को मिला है इस रियलमी UI में। आप रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते होंगे, रियलमी 3 प्रो, रियलमी 5 प्रो, रियलमी X, XT, X2 प्रो या फिर 5, 5i, 5s, 3, 3i कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं सभी के लिए जो है डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे Q&A सीरीज जो है स्टार्ट की है। पहला एपिसोड जो है कल के दिन मतलब 1 जून को रात को 8 बजे जो है आपको पहला जून का यहाँ क्वेश्चन आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से विजिट करके आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप Q&A में जो है पूछ सकते हैं और वहां से मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा पिकअप करके जो है कल यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट करके सभी के क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सभी के क्वेश्चन जो है पिक करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 डिवाइस है, रियलमी 6 प्रो और यहाँ पे रियलमी 3i है, रियलमी 5s मेरे पास है। तो फाइनली यहाँ पे हमको इसमें जब एंड्रॉइड 10 आपको मिलेगा तो एंड्रॉइड 10 में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था यहाँ पे इंटरनली साउंड रिकॉर्ड का। तो उसमें आप पहले यहाँ पे इंटरनली साउंड रिकॉर्ड करते थे तो फिर उसके बाद जो एक्सटर्नली साउंड रिकॉर्ड होती थी वो नहीं हो पाती थी, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज वर्क करता था। अब फाइनली यहाँ पे ये जो अपडेट आया है तो इस अपडेट में आपको इंटरनली और एक्सटर्नली जो है एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसी अपडेट के थ्रू इसी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ और जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको कब तक देखने को मिल जाएगा वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रियलमी 5s मेरे पास डिवाइस है। आप देख सकते हैं जैसे हम इसके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो ये फाइनली मेरे पास रियलमी का 5s डिवाइस है। तो जैसे हम इसको यहां से ऑन करेंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे कि यहां पे हमारा जो दोनों चीज एक साथ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर यहां पे आप इंटरनली साउंड रिकॉर्ड को यहां पे जैसे सिस्टम साउंड रिकॉर्ड को खोलते थे तो यहां पे जो माइक्रोफोन साउंड था वो मतलब दोनों समय में एक ही वर्क करता था और एक ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता था, बट यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से दोनों यहां पे वर्क कर रहे हैं। अब यहां पे रियलमी 5s में जो नया अपडेट आया है C.39 वाला, इस अपडेट में जो है आपको ये फीचर जो है देखने को मिल गया है। तो फाइनली रियलमी 5s एंड 5 के यूजरों के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, आपको ये फीचर जो है देखने को मिल गया है। अब आप दोनों यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है, साथ में यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन देख सकते हैं, यहां पे इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको रखना है उसके। और यहां पे कस्टम का ऑप्शन मिलता है, कस्टम में आने के बाद अपने अकॉर्डिंगली जो है आप सेट कर सकते हैं जितना भी आपको करना है। और साथ में आपको यहां पे बिटरेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए ये तो रही हमारे रियलमी 5s की बात, अब चलिए हम बात कर लेते हैं रियलमी 3i के बारे में। तो देख लेते हैं रियलमी 3i को लेकर, और इसमें भी जो है हमको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल गया है। तो फाइनली इसमें हम चले जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे आपको चले जाना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, इसमें चले जाना है। अब जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये तो ओपन हो गया बेसिकली। अब नीचे हमको यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऊपर का ये देख सकते हैं ऊपर का जो है ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। मतलब कि C.10 के अपडेट में आपको ये फीचर अभी देखने को नहीं मिला है, इसमें आप एक टाइम में एक ही चीज यूज कर सकते हैं, चाहे इंटरनल साउंड रिकॉर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं चाहे एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं ऊपर करता हूँ नीचे वाला बंद हो जाता है, नीचे वाला करता हूँ तो ऊपर वाला बंद हो जाता है। और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है वीडियो रेजोल्यूशन का हाई अमाउंट का जो 14 Mbps की रेजोल्यूशन रेट है उस पर डायरेक्टली जो यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब अभी इसमें इस फीचर में इंक्लूड नहीं किया गया है, शायद हो सकता है C.11 के अपडेट में इस फीचर को जो इंक्लूड कर दिया जाए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं रियलमी 6 प्रो के बारे में। तो रियलमी 6 प्रो बेसिकली हमारे पास ये रखा हुआ है। अब रियलमी 6 प्रो में भी जो है हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने डिवाइस के सेटिंग में, और डिवाइस के सेटिंग में जाने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद चले जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर में, और जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे हम इसको ऑन करते हैं सेकंड टाइम को भी ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज हमारा ऑन हो गया है।
तो मतलब उस वाले डिवाइस में 3i में जो है वर्क नहीं कर रहा है, एक ही चीज वर्क कर रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं 5s में भी दोनों चीज वर्क कर रहा है एक साथ। तो यहाँ पे 6 प्रो और 5s और 5 में जो है पूरी तरीके से अपडेट आ गया है, और अपडेट में जो है हमको नया फीचर देखने को मिल गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले में आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज करके जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे आप बिटरेट को भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है क्लिक कर सकते हैं। तो फाइनली जो है Realme 6 Pro में जो नया अपडेट है, हमको ये जो यहाँ पे दोनों चीज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साउंड को रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे Realme 3 एंड 3i यूजरों को नहीं मिला, या फिर और भी जिन यूजर्स को नहीं मिला उनको थोड़ा सा वेट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं ये जो फीचर है सिर्फ Android 10 में ही वर्क करेगा, जिसके पास Android 10 अवेलेबल है उसी में ये जो फीचर है ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास Android 10 आ भी गया है और अभी तक आपको ये वाला फीचर नहीं मिला तो नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे मई का जो अपडेट है उसमें देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस जो अप्रैल का अपडेट आया है वो अभी तक रोल आउट हो रहा है, और मई का अपडेट जो है यहाँ पे जून के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक जो है रोल आउट होगा। तो मे बी आपको तब तक वेट कर लेना है, और इसमें जो है डेफिनेटली आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा फीचर है जो कि इंटरनली साउंड रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे एक्सटर्नली साउंड रिकॉर्ड को दोनों को एक साथ हम यहाँ पे खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसी तरीके की रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।